HNBUAMU मोपअप काउंसलिंग 2023। देखो स्टूडेंट, ये मेरी मोपअप काउंसलिंग रिजल्ट के रिगार्डिंग तीसरी वीडियो है। सॉरी फॉर स्टूडेंट, मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता हूँ। काफ़ी कमेंट्स आपके आ रहे थे तो मुझे लगा आपको ये वीडियोस प्रोवाइड करनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं भी डिमोटिवेट हूँ, आप भी डिमोटिवेट हैं, होता है स्टूडेंट, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम। जुलाई का महीना, यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, आप लगा सकते हैं यहाँ पे हिसाब, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने हो चुके हैं। और रही प्राइवेट कॉलेजेस की बात, जो स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेजेस से बीएससी नर्सिंग का या जेएनएम या एनएम का कोर्सेज कर रहे हैं, मैं बीएससी नर्सिंग की यहाँ पे बात करूँगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का जो कोर्सेज है आपका सेमेस्टर वाइज यहाँ पे हुआ है और उनके जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है यहाँ पे 25 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट की क्या हाल है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के। ये HNBUAMU की बात नहीं है स्टूडेंट, प्रत्येक यूनिवर्सिटी की बात है, चाहे उत्तराखंड की कोई भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आप ले लें। एजुकेशन सिस्टम देख सकते हैं हमारा उत्तराखंड में क्या हाल है, आई होप आप समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं आगे काफ़ी चीज़ें डिस्कस करूँगा, तो डोंट स्किप द वीडियोस। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे शेड्यूल्स की। तो देखो स्टूडेंट, उन्होंने साफ साफ जब मेंशन कर रखा था डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के रिगार्डिंग, चाहे बीएससी नर्सिंग वाले हो, जीएनएम वाले हो, एनएम वाले हो, पैरामेडिकल वाले हो, मोपअप राउंड के रिगार्डिंग, कि 22 जनवरी 2023 को आपका रिजल्ट 5 बजे के बाद यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। तो यार समझ में नहीं आता, जब आज डेट आप देख सकते 23 तारीख हो चुकी है और पूरे 24 आवर्स यहाँ पे हो चुके हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने वीडियोस का टाइमिंग भी आप देख लो, 5:12 यहाँ पे हो रहे हैं, मैं अभी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं क्या हाल यहाँ पे यूनिवर्सिटी के। आप ऑफिशियल साइट में यहाँ पे देख रहे होंगे, HNBUAMU की ऑफिशियल वेबसाइट में नर्सिंग ऑब्लिक पैरामेडिकल काउंसलिंग 2022 में सेम एरर आ रहा है जो 4 दिनों से आ रहा है, जब से आपकी काउंसलिंग यहाँ पे ऑफ हुई है। देखो स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे। देखो मैं पर्टिकुलरली किसी भी यूट्यूबर्स की इंसल्ट नहीं करता हूँ, हिमानी मैम भी आपको काफ़ी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करती है। तो किसी ने कमेंट्स किया था कि मैम हमारी डेट बढ़ने के चांसेस है कि नहीं है, तो मैम ने उन्हें शायद रिप्लाई किया था कि आपकी डेट यहाँ पर बढ़ेगी लास्ट डेट कॉलेजेस में जो एलोटेड की डेट है। तो बिल्कुल स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जिन स्टूडेंट ने मेरी रेगुलर वीडियोज़ देखी गई उन स्टूडेंट को पता होगा सेकेंड काउंसलिंग में क्या हुआ था। सेकेंड काउंसलिंग का मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट नए हैं, काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे वीडियोस नहीं देखी होगी। तो हुआ क्या था स्टूडेंट, सेम सेकेंड काउंसलिंग में आपका रिजल्ट डिले हुआ था। जो रिजल्ट था आपका एडमिशन से पहले दिन आपका 1 बजे रिजल्ट आपका पब्लिश कर दिया था। तो आप देख सकते हैं क्या हाल यूनिवर्सिटी के थे, और कोई भी वहाँ पर डेट जो एक्सटेंड थी यहाँ पर, जो आपकी डेट यहाँ पर रहती है, जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग एलोटेड कॉलेजेस की रहती है, एक्सटेंड नहीं हुई थी। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, तो आप के जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर रख देना, अगर आपको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के 100% चांसेस है, तो जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया था आप प्रिपेयर रख लेना, क्योंकि टाइमिंग के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया कि जो लास्ट डेट है यहाँ पे बिल्कुल एक्सटेंड नहीं होगी, 25 को इन्होंने जो बोला है वो जरूर होगा। और रही बात रिजल्ट की, तो देखो स्टूडेंट, 2 ही चांसेस यहाँ पे रिजल्ट के रिगार्डिंग रहते हैं, या तो रिजल्ट आज रात की 8 या 9 बजे तक पब्लिश हो जाएगा, अगर आज पब्लिश नहीं होता तो 100% है, 100% आपका रिजल्ट कल 24 तारीख को आपका रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, मैं कुछ भी टाइमिंग के रिगार्डिंग नहीं कह सकता हूँ, आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे पूछेंगे सर रिजल्ट आप कह रहे हैं कि आज नहीं आएगा तो कल आएगा, तो कितने टाइम पे आएगा। देखो स्टूडेंट, मेरे हाथ पे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी के हाल आप फर्स्ट काउंसलिंग से लेकर सेकेंड काउंसलिंग तक, और जो मोपअप राउंड से पहले बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट के रिगार्डिंग जैसे कि देख रहे होंगे आप यूनिवर्सिटी के क्या हाल है। चलो स्टूडेंट, मैं मानता हूँ कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है या कोई एरर या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, एट लीस्ट बुलेटिन बोर्ड में उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए इसके रिगार्डिंग। आपने देख रखा होगा न्यूज़पेपर कटिंग में भी उन्होंने सेकेंड थर्ड काउंसलिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन डाल दी थी कि 9 तारीख से आपकी काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी, थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के क्या हाल है। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कह सकता स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको एक इंफॉर्मेशन जो मुझे लगती है आपको बताना चाहिए। सबसे पहले जब आपका रिजल्ट पब्लिश हो गया तो किस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बता रहा हूं। जो इंटरफेस में यहां पे चेंजेस सिर्फ आपका मोपअप राउंड के रिगार्डिंग ही लिखा होगा, राउंड 2 के जगह रिप्लेस होके मोपअप राउंड वहाँ पे लिखा होगा। प्रोग्राम का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद जैसे OTP आप डाल दोगे तो अलॉटमेंट लेटर का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ प्रकार का अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे आपका निकलेगा, और उसी अलॉटमेंट लेटर पे आप लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी लिखी होगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने आपको बोला था स्टूडेंट की वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा,
सेकंड काउंसलिंग में क्या होता है, जब आपका रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश हुआ था जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी, काफ़ी स्टूडेंट की जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी उसमें भी गलत मेंशन कर रखी थी, किसी स्टूडेंट की डेट में लास्ट डेट कुछ और मेंशन करी थी, किसी स्टूडेंट के लास्ट डेट में कुछ मेंशन करी थी, जिस कारण स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। लेकिन बाद में भले सर्वर के कारण हो एरर आई थी, क्या आई थी, हो तो यूनिवर्सिटी जाने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के क्या काम है। आई होप आप समझ चुके होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि हमें यूनिवर्सिटी के खिलाफ केस करना चाहिए, देखो स्टूडेंट हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अब क्या ही बोलें, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट, आप जैसा बोले कि केस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ क्योंकि एक नई उमंग होती है आफ्टर ट्वेल्थ करने के बाद कि यार हम कॉलेजेस लाइफ में जाएंगे, हमारी नई जर्नी यहाँ पे स्टार्ट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आप लोगों के साथ। मैं समझ सकता हूँ कि 5 से 6 महीने अगर आप कोई बच्चा आफ्टर ट्वेल्थ के बाद घर में रहता है तो कितना प्रेशर उन्हें फैमिली का होता है, सोसाइटी का होता है, क्योंकि इंडियन कल्चर है स्टूडेंट, हमारे इंडिया में बस हर रिश्तेदार बस पूछते रहता है हाँ भाई क्या कर रहा है। आई होप आप समझ चुके होंगे। मैं समझ सकता हूँ स्टूडेंट आपकी प्रॉब्लम, लेकिन मैं 100% आपसे प्रॉमिस करता हूँ जैसे ही कुछ भी अपडेट आएगा, चाहे रात को ही अपडेट आएगा, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो नोटिफिकेशन आइकन रहता है बेल आइकन को, उसको प्रेस कर देना ताकि आप नोटिफिकेशन जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिजल्ट के रिगार्डिंग आएगा, आपको वीडियो प्रोवाइड कर हो जाएगी। नहीं तो स्टूडेंट फिर मुझे बाद में मत कमेंट्स कर देना कि सर मेरे को पता नहीं चला कि रिजल्ट कब पब्लिश हुआ। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप तमाम